Yo, hello guys, welcome to my channel Artificial Art Sophie Ajad. और सॉरी कहना चाहता हूँ एक बार, मैंने चार महीने या पांच महीने से वीडियो नहीं डाली. वो तो ऑब्वियसली मतलब दो शॉर्ट डाले, एक मेरा गेमिंग चैनल की वीडियो डाली है, उसको चेकआउट करके प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे गेमिंग चैनल को. अब आज हम बनाएंगे कार्तिक आर्यन की स्केच, तो आपको फोटो तो बनाना स्टार्ट करते हैं. तो आपको ये ग्रिड बनाने, ये 2-2 सेंटीमीटर्स के होंगे और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस होंगे, यहाँ पे 4 बॉक्सेस. तो यहाँ पे बनेंगे हमारी आईज, यहाँ पे नोज और यहाँ पे लिप्स. तो अब स्टार्ट करते हैं बनाना. और यहाँ पे हमारी पहली आई बनेगी, यहाँ पे हमारी दूसरी आई बनेगी, इसके बीच में हमारा नोज बनेगा. तो अब इसके आउटर लाइन देखो. तो देखिए अभी आपको ऐसे लेना है, ये सेंटर है इसके थोड़ी सी नीचे से, यहाँ से. तो यहाँ से आपको ऐसे, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया. यहाँ से आपको शुरू करना है, यहाँ पे हल्की सी स्पेस रखनी है. आपको ऐसे यहाँ से राउंड लेकर जाना है. अब आपको यहां से अब जो इसको थोड़ा रब करके इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे. तो ये हो गया. अब हमें इसकी ईयर ब्रोज आप देख रहे होंगे, मैं फोटो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं. जिससे आपको आसानी भी रहे. तो इसकी आंखों का शेप रेडी होने वाला है. तो ये इसकी आईज का शेप रेडी हो चुका है. अब हम बनाएंगे इसकी आईब्रोज और इसके नीचे के जो बने हैं वो. अब यहाँ से हम आईब्रोज बनाएंगे, यहाँ तक पूरी आएंगी ये. बाकी सब शेडिंग में हो जाएगा. एक बार जिट इज बना रहे, आउटलाइन है ये. तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलेगा इसकी शेडिंग. तो इसको अब ऐसे लेकर जाना है.
मैंने डोम्स की पेंसिल यूज की है, ये आउटलाइन में अच्छी काम आती है, आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। शेडिंग में आपको ग्रेफाइट पेंसिल्स चाहिए होगी। मैंने मटेरियल्स की वीडियो डाली थी, उसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन सी है, या फिर आपको जो ग्रेफाइट्स पता होगी, जैसे मतलब शुभम डोगरा या अदर जो होते हैं आर्टिस्ट वो यूज करते हैं, वो वाली भी ले सकते हैं। बट जो आपके पास में शॉप्स होंगी उनके ऊपर यही वाली मिलती है, अप्सरा वाली। तो ये इतना हमारी पहली आई का हो गया। दूसरी आई का, तो दूसरी आई हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये आपको दी हुई है इस वाली ग्रिड में। यहाँ पे हमारी एक और आई आई बनेगी, तो शुरू करते हैं। और आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू, मेरी उस वाली एक रोनाल्डो की मैंने बनाई थी उसके ऊपर 279 से ज़्यादा व्यूज देने के लिए। तो अब हमारी आँख, इसका शेप थोड़ा यहाँ से थोड़ा राउंड है। इसको पूरा नाप के आप ले सकते हैं। और इसको हम यहाँ से यहाँ से आपको थोड़ा ऐसे लेना है और इसको थोड़ा मिटो के आप नीचे इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा करना है। और इसको यहां से नापते चलते इसको थोड़ा बड़ा करना है। Gracias.
अब आपको यहाँ से ऐसे थोड़ा इस ग्रिड से थोड़ा आगे लेते वक्त इसको यहाँ पे अब इसके आईब्रोज बनाएंगे। थोड़ी बड़ी होगी। यहां से अब ऐसे अब यहां से आपको ये सेंटर है इसके थोड़ी सी ऊपर यहां से आएगी। तो बन गई ये इसकी आईब्रोज एकदम इसके सेंटर में। इसको थोड़ा नीचे करते तो ये आपकी आईब्रोज होगी आपकी नहीं मतलब कार्तिक आर्यन की ये वाली आईब्रोज होगी ये वाली आईब्रोज ये वाली आई और ये वाली आई। अब इसके आगे देखो अब हम बनाएंगे ये नोज यहां से ये आईब्रोज जा रही है यहां से आपको ऐसे शुरू करना है। ये जो सेंटर लाइन है इसके ये यहां तक आएगा तो ये आप ऐसे जॉइंट कर दो इसी तरीके। यहां से और अब यहां से ये सेंटर पॉइंट है यहां से तो ये आपकी ठीक आती कारण की नोज हो जाएगी। इसको थोड़ा नीचे लेकर मतलब थोड़ी सी ऊपर रहेंगे तो ये हमने ले लिया।
यहाँ से यहाँ। तो ये अभी यहाँ से हो गया नोज। अब आपको यहाँ से इसके आप देख रहे होंगे साइड नोज होगी। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं बियर्ड, इसकी दाढ़ी। ये हम यहाँ पे लेंगे और अब यहाँ से तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। ये आपको सेंटर पॉइंट दिख रहा है यहाँ से थोड़ी सी ऊपर से। तो ये हमारा इसकी बियर्ड। अब यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे लिप्स बनाना। इसकी बियर्ड यहाँ से पूरी कंप्लीट कर देते हैं। अब हम यहाँ से अपनी लिप्स शुरू करते हैं। नाक के एकदम यहाँ से हम ये शुरू करेंगे। और यहाँ से राउंड नहीं लेना है आपको।
अब हम यहाँ से इसकी बियर्ड भी कंप्लीट कर देते हैं। इसको आपको पूरी नीचे तक लेकर जाना है। अब यहाँ से इसकी थोड़ी यहाँ से राउंड है और यहाँ से थोड़ी ऐसे। अब यहाँ से आपको इसके फेस की आउटलाइन, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बियर्ड दिख रही है इसकी। आपको थोड़ा कार्तिक आर्यन जैसा दिखने लग गया होगा। अब यहाँ से आपको, यहाँ से थोड़ी दाढ़ी टाइप दिख रही है। तो ये ऐसे यहाँ से आपको इसको इरेज करना है। और अब यहाँ पे आपको ऐसे लेना है। यहाँ से आपको और ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, वैसे ऐसे तो नहीं लिख रहे, तो ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं करते। अब आपको यहाँ से पूरी बियर बनानी है इसकी, कार्तिक आर्यन की। थोड़ी बहुत इसके अंदर जो, इसको मेला थोड़ा ठीक कर लेते हैं।
अब इसका पूरा मुंह कंप्लीट करते हैं। अब आपको यहाँ से शुरू करना है। और यहाँ से आपको ऐसे राउंड करते करते इसको यहाँ से जॉइन करना है। यहाँ से जॉइन कर दिए। लिप्स थोड़े बड़े करने हैं हमें, बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे हैं। कार्तिक आर्यन वाली फीलिंग नहीं आ रही इसके अंदर। उसकी फीलिंग लाने के लिए हमें लिप्स को थोड़ा बड़ा करना है। वैसे आप लोगों को किस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप स्केच बनाते हो, तो कौन से पार्ट में, आईज में, नोज में, या किस में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसको हम लास्ट में बनाएंगे। मुझे तो सबसे ज़्यादा लिप्स बनाने में बहुत ज़्यादा आती है, मैं मतलब प्रॉब्लम होती है। और यहाँ से हमें थोड़ा गैप छोड़ना था, वो छोड़ा नहीं। तो अब आएगी हमें कार्तिक आर्यन वाली फीलिंग। वो मैंने अब कब से वीडियो डाली नहीं, तो प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना। मेरे क्योंकि बड़ी मुश्किल से 56 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, और अभी मुझे 100 का टारगेट है सब्सक्राइब का। प्लीज़ जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो। मेरे दोस्त ने चैलेंज लगाया था, चैनल क्या चैलेंज, कि हम दोनों में से सबसे पहले 100 किसके होते हैं, उसके तो 100 हो गए। तो प्लीज़ अब उसने 200, अभी भी मेरे एक दो दोस्तों ने लगाए है। एक दोस्त के 47 है, वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज मुझे 100 से जिता दो। क्योंकि वन लाख पे आपको तो पता ही होगा सिल्वर प्ले बटन मिलते हैं, वो हमें देखना है कि कैसा होता है, तब मैं अपना फेस रिवील भी करूँगा। यहाँ से इसकी दाढ़ी थोड़ी कर देते हैं। अब यहाँ से हम ये सारी नंबरिंग मिटा देते हैं, जिससे बनाने में अब, क्योंकि हमारे नोज वगैरह तो बन ही चुके हैं, तो
अब इसके हेयर्स यहाँ से बनेंगे। थ्री को भी मिटाना है, वन को भी मिटाना है। यहाँ पे ईयर्स बनेंगे शेडिंग में। ये हेयर्स कार्तिक आर्यन के बाल बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ से थोड़ा डब्बे जैसा लग रहा है। यहाँ से हमें थोड़ा फेस हल्का सा मोटा करना है, जिससे बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। आगे से थोड़े इसके बड़े बाल हैं कार्तिक आर्यन के।
ये हमारी आउटलाइन हो चुकी है, इसके अगली वीडियो आपको कभी भी मिल सकती है इसकी, तब हम शेडिंग करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।